अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद असलम दानिश आपका मेजबान। देखिए, ये चुनाव होने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे जनप्रिय शासक जो हैं नारायण राव साहब, उनका कोविड की वजह से देहांत हुआ है, इसलिए अचानक ये इलेक्शन आए हैं। अब उनका होकर भी चार महीने हो गया, उनका देहांत होकर भी चार महीने हुआ है, तो हमारे तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और हमारे ब्लॉक लीडर सब लोग मिलकर हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब कब इलेक्शन डिक्लेयर होता है पता नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। सर, लास्ट टाइम वो एक न्यूज़ में चल रहा था कि आपके फैमिली को जो है ऑलरेडी कांग्रेस टिकट दे चुकी है, तो फिर आपको क्यों टिकट दे इसके बारे में? देखिए, फैमिली को टिकट दे चुकी है बोल के ये ऐसे तो एलिगेशन बोलते रहेंगे लोग, लेकिन मैं तो सिटिंग MLC हूँ, है ना, तो मेरा टर्म अभी 6 महीने के अंदर एंड हो रहा है, तो इसके लिए मैं भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आया था, तो पार्टी के लिए हम भी कंटेस्ट करने रेडी हैं बोल के हम भी दावेदार हैं। सर, आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा? सर, कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको मालूम है कैसा सिचुएशन है हमारे देश में, एक आतंक का माहौल है, किसान एक पिछले दो ढाई महीने से बैठे हुए हैं, और ताज्जुब की बात है जो हमारे सरकार को फिक्र ही नहीं है उनके बारे में, तो क्या वो लॉ करेक्ट है गलत है वो दूसरी बात है ना, तो लेकिन उनसे बात करने भी रेडी नहीं है वो, तो ये ऐसा माहौल है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, कभी भी आज तक नहीं था, इतने 70 साल में कभी नहीं बढ़ा था, 90 रुपये पेट्रोल हो गया है, डीजल 80 रुपया हो गया है, उसके वजह से हर सामग्री के दाम बढ़ रहे हैं, तो और सरकार कुछ करती नहीं, मतलब करने का इच्छा भी नहीं रखती है, है ना। कल भी हम बैंगलोर में एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे, 2-3 जगह पार्टिसिपेट करे, वहाँ पर भी यही समझा रहे थे लोगों को, आप लोग हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और जो सामग्री साहूकारों के लिए है उस पर टैक्स नहीं डालती गवर्नमेंट, जो गरीब यूज़ करते हैं पेट्रोल, हर आदमी यूज़ करता है ना, हर एक आदमी जिसको पेट्रोल की ज़रूरत है वो यूज़ करता है, लेकिन उस पर ही टैक्स डालते हैं, और बाकी चीज़ों पे टैक्स नहीं कर रही है, तो ये सरकार सिर्फ अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। सर, ऑलरेडी आप MLC हैं, फिर बसपा कल्याण से MLA के ट्राई जो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? कार्यकर्ताओं का फोर्स है, कार्यकर्ता यहाँ के लोग सब, देखिए हमारे को दिसंबर में हमारा इलेक्शन था, हम MLC बन के रहेंगे बोल के सोचे थे, लेकिन यहाँ से बहुत सारे हमारे ब्लॉक से और हमारे पूरे लीडर्स सब लोग फोन करे, सर आपको भी चांस है तो हमको एक प्रबल कैंडिडेट चाहिए, तो आप आए तो अच्छा रहता बोल के बोले, तो उसके बारे में हम भी मना करें, हम बोले ऐसा कुछ करना नहीं है, लेकिन उनका फोर्स ज़्यादा जब बढ़ते गया तो बोले ठीक है हम भी मांगेंगे, देखेंगे फिर हाईकमांड क्या डिसाइड करता है। सर, लोगों की ये भी सोच है कि आप अगर से यहाँ से कैंडिडेट बनते हैं, जीते हैं, तो क्या पूरा आप अपना वक्त बसपा कल्याण को देंगे? 100% मोस्टली जो है बाहर के, यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि आप जो है बाहर के बेंगलोर में ज़्यादा रहते हैं, दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, तो बसपा कल्याण को वक्त नहीं दे सकेंगे? नहीं, देखिए ये सब मतलब उसका सवाल ही नहीं उठता, 100% हम बसपा कल्याण को टाइम देंगे, लोगों को भी मालूम है, इसीलिए लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हमारे को, जो उनके तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है, अगर उनको ये लगता कि हम नहीं रहते यहाँ पे तो हमारे को रिस्पांस देते ही नहीं, है ना। सर, अपोजिशन का कहना है कि पार्टी में डिस्प्यूट है कांग्रेस में, उसके बारे में आपका क्या? अपोजिशन बोलते रहता है, उसके बारे में क्या बोलने का ही नहीं, हम बोलते हैं उनके पार्टी में डिस्प्यूट है बोल के, ये देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, पिछले 70 साल में क्या किए, 70 साल में क्या किए बोल के, ये सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक है ये, और ये बात मैंने जब इलेक्शन हुआ था ना, इलेक्शन होते ही ये बात आया था कि जब 60 साल में क्या किए, 60 साल में क्या किए, अरे भाई 60 साल में क्या किए बोल के नहीं, आपको वोट दिया है आप क्या करोगे वो बताइए, है ना, तुम क्यों बोल रहे हो वो नहीं किया वो नहीं किया बोल के, ना तुमको क्यों वोट करके इलेक्ट किया है, क्योंकि तुम क्या करने वाले हो वो बताइए, तुम हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें, कांग्रेस वाला ये किया वो, ये बात ये करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सर, 2018 में जिस तरह से JDS और कांग्रेस अलायंस होकर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी,
तो इस बाय इलेक्शन में बसो कल्याण और मस्की में जो इलेक्शन होने वाले बाय इलेक्शन में इसमें जो है बीजेपी और जेडीएस दोनों अलायंस होकर अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये सब स्टेट लेवल लीडर्स डिसाइड करते हैं। जब हमारी कुछ कंपल्शंस थे 18 में, फिर 19 के इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन थे, उसके वजह से वो अलायंस हुआ था जब लास्ट टाइम जेडीएस के साथ। सर लास्ट टाइम जो है एंटी कास्ट इलेक्टर बिल के बारे में सब भी जो है कांग्रेस और जेडीएस दोनों भी जो है काउंसिल में लड़ रहे थे इसको लेकर, लेकिन सडनली जो हो गया कि जेडीएस जो है बीजेपी से जो अलायंस सपोर्ट करके जो है इस बिल को पास करवाया, तो वो ये क्वेश्चन आप जेडीएस वालों को पूछना, ये हमारे को पूछे तो गलत होता है। वो कभी भी पलटी मारते रहते हैं ना, है ना, उनका एक स्टैंड, एक ही कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं है उनका, तो इसीलिए अब लोगों का भरोसा जेडीएस पार्टी से चला गया है। सर आप ही के पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं सीएम इब्राहिम साहब, हाल ही में जिस तरह से उनके बयानात हमारे सामने आ रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर के, वो काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे थे पार्टी के हालात से कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, तो इस ताल्लुक से अगर मैं चाहता हूं कि आप एक कांग्रेस का अटूट हिस्सा होने के तौर पे जवाब दें इस चीज़ का, क्या कुछ कांग्रेस में चल रहा है कि माइनॉरिटीज़ को लेकर के इन दिनों काफ़ी अनबन नज़र आ रही है? नहीं, माइनॉरिटीज़ को लेकर अनबन कुछ नहीं है, बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी हमारे पास हैं और उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है। अब हमारे जब 3 MPs नॉमिनेट हुए उसमें एक मुसलमान हुए, अब फिर हमारे लास्ट टाइम MLC भी नॉमिनेट हुए उसमें 2 नॉमिनेट हुए उसमें एक मुसलमान को दिया है, तो रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी कभी भी माइनॉरिटीज़ को देते आई है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब CM इब्राहिम साहब बड़े लीडर हैं, ये फिर और एक बार बोलता हूँ, ये इनके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ।